हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूली और मूली के पत्तों के पराठे। हम अक्सर मूली के पराठे बनाते हैं, मूली की सब्ज़ी बनाते हैं, पर बहुत से लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो मूली के साथ जितने भी पत्ते हैं इन्हें धोकर बारीक इस तरह से काट लिया है, और ये एक बड़ी मूली इसे कद्दूकस कर लिया है। इस मूली में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मूली के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से इसे निचोड़ सकते हैं और इसका पानी हम निकाल सकते हैं। हाथ से ही निचोड़ने से काफ़ी सारा पानी निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे कपड़े से भी निचोड़ सकते हैं। इतना पानी तो हमें आटा लगाने में लग ही जाता है। मैं अभी इसे इस तरह से निचोड़ कर निकाल देती हूँ। इस पानी को अभी हम साइड में रख लेते हैं। एक बड़ी मूली ली है, साथ में ही ले रही हूँ मैं एक कप आटा। एक छोटा चम्मच लेंगे अजवाइन। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है एक बड़ा चम्मच। एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ये जो पानी हमने मूली का निकाल कर रखा था इसे ही डाल रही हूँ, दूसरा अलग से पानी नहीं डाल रही हूँ। इसका डो हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे, बिल्कुल रोटी के आटे जैसा नरम नहीं रखेंगे, क्योंकि मूली अभी और पानी छोड़ेगी। इसे हम 5 मिनट के लिए भी ढक कर रख देते हैं। 5 मिनट के बाद मीडियम साइज़ का लोया लेंगे, इसके दोनों तरफ से सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा फिर से लगाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पराठे नहीं बना रही हूँ मैं। अगर किनारे से फटता है तो इसे इस तरह से चिपका लेंगे। तवा गरम हो गया है, इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब पराठा डाल देते हैं। 15 से 20 सेकंड के बाद पराठा पलट लेंगे और अभी इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। पराठे को अभी सिकने देना है। पराठा पलट लेते हैं। इस साइड में भी हम तेल लगाएंगे। फिर से पलट लेते हैं। पराठे में यहाँ पर हाई फ्लेम पर पका रही हूँ। पराठा इस साइड से बहुत ही अच्छा सिक गया है, इसे पलट कर देख लेते हैं। हाँ, इधर से भी अच्छे से सिक गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे पराठे हमें इसी तरह से बनाने हैं। गरम गरम पराठे को हरी चटनी के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसे नींबू के अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।